Hey guys, welcome to Inspiration IAS, a well-defined platform for learning various general study topics and optional papers for UPSC and other state PCS examinations. This is daily news analysis by myself, Rupak Majumdar. यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं The Hindu, Indian Express, PIB, Assam Tribune जैसे important sources से daily current affair compilation एक detailed and comprehensive way में. आप Inspiration IAS के साथ जुड़ सकते हो through our official website. www.inspirationias.org for our daily MCQs and विश्लेषण. इन सब के अलावा आप जुड़ सकते हो हमारे साथ via our social media platform, जहां पे आपको ये लिंक मिल जाएंगे. यहां पर आप जुड़ सकते हो डायरेक्टली फॉर डेली अपडेट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इंस्पिरेशन IAS से यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो हमारे साथ फॉर आर ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड क्लासेस जो अभी एक्टिव है हमारे अलग अलग सेंटर्स में से न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, रांची एंड रिसेंटली मैं आपको बता देता हूँ जो स्टूडेंट्स हमको अरुणाचल प्रदेश में फॉलो कर रहे थे, आपके होम स्टेट पे हमने स्टार्ट किया है एक नया सेंटर, तो आपको डायरेक्टली वहाँ पे मिल जाता है एक्सेस टू फिजिकल क्लासेस फॉर जनरल स्टडी पेपर्स एंड ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस बाय अरविंद सर. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ऑप्शनल क्लासेस मिल जाएंगे फॉर जूलॉजी एंड सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी के क्लासेस भी, एंड आपको मिलता है सैटेलाइट कोर्स अलॉन्ग विद फुल फ्लेज्ड कोर्सेज. डिटेल के लिए आप इन दिए गए नंबर पर कर सकते हो कॉन्टैक्ट. नाउ आज के न्यूज एनालिसिस में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, NHRC का ओपन हेयरिंग हुआ है गुवाहाटी में. खानापारा जो एरिया है गुवाहाटी असम में, यहाँ पर बेसिकली एक कैंप अरेंज किया है जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है इन्होंने. सो आप देख सकते हो न्यूज लाइव का आर्टिकल है, NHRC टू होल्ड पब्लिक ओपन हेयरिंग ऑफ ह्यूमन राइट केसेस इन गुवाहाटी फ्रॉम टुडे, मतलब जो 16th ऑफ दिसंबर डेट है. यहाँ से बेसिकली क्या हुआ, देखिए दो दिन का एक कैंप लगाया गया है 5 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, बेसिकली असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम एंड नागालैंड. एंड इसका जो इनोग्रेशन हुआ है इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो कॉलेज है खानापारा में आता है यहाँ पर, और इनोग्रेशन डे पे ही इन्होंने रजिस्टर किए 33 केसेस जो अगले दिन में, मतलब आज 17th ऑफ दिसंबर जो अगला दिन होगा, 9 ऐसे केसेस और लिए जाएंगे. सो बेसिकली आज 31 केसेस एंड कल जो है ये 9 और केसेस ऐसे हेयरिंग सुनवाई जो है इनका होगा. बेसिकली देखिए आपको मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर करेंगे क्या, जो NHRC है ये ओपन फोरम में एक काइंड ऑफ कैंप जैसा लगा रहे हैं जहाँ पे जो कॉमन पीपल है आके अपने जो भी केसेस है इनको बता सकते हैं, जो भी केस रजिस्टर नहीं हुए या फिर कहीं पे इनको अगर सपोर्ट नहीं मिला जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है यहाँ से, तो बेसिकली ये डायरेक्टली कमीशन के पास जा सकते हैं वाया दिस ओपन हेयरिंग प्लेटफॉर्म, एंड यहाँ पर जाके ये अपना जो भी ग्रेवांसेज है इनको बता सकते हैं, जहाँ पर भी इनको लगता है कि शायद यहाँ पे हमें बेटर और सपोर्ट मिल सकता था, मिला नहीं है, तो इन दोस केसेस ये जाकर बात कर सकते हैं NHRC का जो ओपन पब्लिक हेयरिंग है, कैंप है यहाँ पर. अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, कमीशन जो है ये लोकल NGO से बात करेंगे, ह्यूमन राइट जो डिफेंडर से जो एक्टिविस्ट हैं इनसे बात करेंगे, एंड जो स्टेट लेवल के सीनियर ऑफिसर से इनसे भी बात करेंगे ऑफ द ऑल द 5 स्टेट्स. एंड बेसिकली बात करके ये जो भी ह्यूमन राइट्स के इश्यूज है, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, एंड NGOs क्या सपोर्ट कर सकते हैं, एक्टिविस्ट से हम क्या सपोर्ट ले सकते हैं, सो बेसिकली ग्राउंड लेवल पर असेसमेंट होगा एंड स्ट्रेटजीज बनाए जाएंगे. नाउ यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो ह्यूमन राइट्स डे है ये कौन से तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है, आप मुझे इसका आंसर मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. ये जो स्टेप है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए सिग्निफिकेंस काफ़ी सिंपल है, ग्राउंड लेवल पे असेसमेंट होगा ह्यूमन राइट इशूज़ का. कई बार ऐसे होते हैं कि जो जो कॉमन पीपल है ये बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हार्डल्स एंड डीलेज के वजह से ये जा नहीं पाते हैं, इनका जो केस है इनका सुनवाई नहीं हो पाता, इनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता है. सो बेसिकली ग्राउंड लेवल असेसमेंट से फ़ायदा ये होगा कि जो भी अनहर्ड वॉइसेस है इनको असिस्टेंस मिल जाएगा, ये अपना वॉइस को एग्जैक्टली पहुँचा सकते हैं टू दी राइट अथॉरिटी. जो डाउनट्रोडेंस है जैसे आपके शेड्यूल कास्ट या मार्जिनलाइज पीपल ट्राइब्स के लोग हो गए, तो इनका जो भी जेंडर जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के केसेस अगर ऐसा कुछ होता है
तो अक्सर कई बार ऐसा होता है बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू अप्रोच, वेयर टू अप्रोच एंड वॉट शुड दे डू. सो इन दैट केस जो भी डाउनट्रोडन, जो भी मर्जिनलाइज्ड सेक्शन है, इनको मिल जाएगा सपोर्ट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इट इज अ पिलर ऑफ गुड गवर्नेंस. ग्राउंड लेवल पे जब आप काम करते हो, बेसिकली जिसको आप यू नो ग्रास रूट लेवल पे कहते हो, तो इससे क्या होता है ना कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी रैट टैपिज्म हो गया, या जो भी यू नो कई बार ऐसे होते हैं कुछ करप्ट ऑफिशियल्स के वजह से गवर्नेंस में दिक्कतें आ जाते हैं, गुड गवर्नेंस में, तो इन सब हार्डल्स को दूर करते हुए ग्राउंड लेवल पर काम किया जाता है. तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में आपको बेसिक्स में बता देता हूँ. ऑब्वियसली बात है, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको ये पता होगा ऑलरेडी, बट देन यहाँ पे आपको कुछ बेसिक्स अगेन मैं आपको बता देता हूँ. जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इट इज़ अ वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन आर कंट्री, जिसको बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंडर में यू नो इसको बनाया गया था एंड एस्टेब्लिश किया गया था. एंड लेटर ऑन इस एक्ट को 2006 एंड 2019 में सब्सिक्वेंटली अमेंड भी किया गया था टू ब्रिंग सम चेंजेस. सो ओवरऑल बात यह है कि ये एक स्टेचुटरी बॉडी है एंड इट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट. डोंट गेट कन्फ्यूज, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टेचुटरी बॉडी है. इसका जो इंटरनेशनल जो इसका यू नो जो लीगल असिस्टेंस है, या आप कह सकते हो जो इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो पेरिस प्रिंसिपल्स जो है इसके बेस पे, पेरिस प्रिंसिपल मैं आपको बता देता हूँ ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन को लेकर. अक्टूबर 91 में यू नो पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो वहाँ से उसी को मद्देनजर रखते, उसी के कन्फर्मिटी में हमारा जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है इसको एस्टेब्लिश किया गया है. एंड बेसिकली ये जो पेरिस प्रिंसिपल से इसको एंडोर्स किया गया था जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशंस का इन 93. एंड जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये भी इसी इन्हीं पेरिस प्रिंसिपल्स के कन्फर्मिटी में काम करते हैं. कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें, ऑब्वियसली बात है मल्टी मेंबर बॉडी है. टोटल 5 मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन एंड 4 अदर मेंबर होते हैं. जो चेयरपर्सन है ही मे बी अ चीफ जस्टिस ऑफ यू नो जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, या फिर एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है. ये एलिजिबल होते हैं फॉर द पोजिशन ऑफ यू नो NHRC चेयरपर्सन. करंट चेयरपर्सन जो है आपको पता होगा अरुण मिश्रा जी है. जो इनका सिलेक्शन होता है, जो अपॉइंटमेंट होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा होता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ हाई पावर्ड कमिटी. इनका एक सिलेक्शन कमिटी बैठता है एंड सिलेक्शन कमिटी में दीज आर द मेंबर्स, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. याद रखिएगा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं होते हैं, डेप्टी चेयरमैन होते हैं. लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ बोथ द हाउसेस एंड यूनियन होम मिनिस्टर. टेन्योर जो है इनका बेसिकली अभी रिसेंट अमेंडमेंट के बाद टेन्योर जो इनका, दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर और अंटिल द एज ऑफ 70 विच एवर इज अर्लियर. प्रेसिडेंट जो इनको रिमूव कर सकते हैं ऑन सर्टेन ग्राउंड. सो दीज आर द बेसिक्स. पार एंड फंक्शन क्या है, देखिए इनके पास सिविल कोर्ट के सारे पार्ट्स होते हैं एंड इनका जो प्रोसीडिंग्स है ये जुडिशियल कैरेक्टर्स के होते हैं. ये कंट्री में किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या एजेंसी जो है, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट के हो, इनसे सपोर्ट ले सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन. इनका एक लिमिटेशन है कि ये जो भी इश्यूज है विद इन 1 ईयर पीरियड, अगर ये ऑकरेंस के 1 ईयर पीरियड के अंदर अगर इनको रजिस्टर किया जाता है तभी ये इन इश्यूज को देख सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं. 1 साल पार होने के बाद, 1 साल के बाद ये इंक्वायरी नहीं कर सकते. दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन. सो इट लुक्स इन मैटर विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स ऑकरेंस. दैट इज कमीशन जो है, इट इज नॉट एम्पावर्ड टू इंक्वायर इन टू एनी मैटर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर. एंड एक और इसका क्रिटिसिज्म है कि इनका जो यू नो जो भी ये कहते हैं, जो भी इनका रिपोर्ट रहता है, ये बेसिकली रिकमेंडेटरी इन नेचर होता है. देयरफोर इसका मतलब क्या है, इनका कोई पनिश करने का पावर नहीं होता इनके पास. दे कैन नॉट पनिश फॉर वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, नीदर दे कैन अवॉर्ड एनी रिलीफ. हाँ, ये रेकमेंड कर सकते हैं. इनका जो रोल है, इट इज लिमिटेड रोल, पावर एंड ज्यूरिसडिक्शन विद रेस्पेक्ट टू वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट बाय द आर्म्ड फोर्सेस, ऑब्वियसली बात है. एंड इट इज नॉट एम्पावर्ड टू एक्ट व्हेन ह्यूमन राइट वॉयलेशन ऑकर्स थ्रू प्राइवेट पार्टीज. सो ये सारे इश्यूज हैं, सारे लिमिटेशंस हैं रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स कमीशन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एंड प्रिसाइसली अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. सो कैबिनेट ने एक यू नो 76,000 करोड़ का एक स्कीम, एक एक यू नो प्रोजेक्ट को यहाँ पे
अप्रूव किया है टू बूस्ट दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, पर्टिकुलरली जो सेमीकंडक्टर्स है इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो आप देख सकते हो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, कैबिनेट डिसीजंस में चिप्स डिस्प्ले यूनिट्स नोड 2 रुपीज 76,000 करोड़ स्कीम। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए जो पॉलिसी है यहाँ पे सिंपली आपको बताता हूँ मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है पर्टिकुलरली सेमीकंडक्टर्स के लिए, चिप्स के लिए, इनको बेसिकली बूस्ट किया जाएगा थ्रू फाइनेंशियल इंसेंटिव, थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट। और इसको लॉन्च किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हुआ यह है, ये एक 76,000 करोड़ का पॉलिसी है जो सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा, बूस्ट करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस करीब 85,000 to 1 लाख जो इंजीनियर्स है, टेक्नीशियंस, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, वो कैन वर्क इन दिस प्लांट। सो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। और एक ऑब्जेक्टिव है ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, पर्टिकुलरली सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक चिप्स जो है, इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल स्केल पे हमें कॉम्पिटिटिवनेस इनका बढ़ाना है ग्लोबली। हमको ना केवल डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हमें प्रोड्यूस करना है, बल्कि हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन को भी बढ़ावा देना है। करंट सिचुएशन में जो इश्यूज है बेसिकली क्या है सेमीकंडक्टर में, देखिए अब 76,000 करोड़ का एक पैकेज गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, तो सिंपल सी बात है लिमिटेड कैपिटल सपोर्ट है एंड वैल्यू एडिशन जो है मार्केट में उतना ज़्यादा है नहीं। एंड जो मेन रीज़न क्या हो सकता है यहाँ पर, एक्सेस टू कैपिटल फाइनेंस, पैसे की कमी की वजह से कैपिटल फाइनेंस जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, अलग अलग रीजन्स हैं, आगे हम लोग बात करेंगे। वन ऑफ द रीजन इज कंपटीशन विद चाइनीज मार्केट, आपको पता होगा जो चाइनीज मार्केट है, चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स है, दे आर बाय फार एज ऑफ नाउ लीडिंग इन पर्टिकुलरली जो इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चरिंग है, अपार्ट फ्रॉम सम ऑफ दी साउथ ईस्ट एशियन नेशन जैसे कि आपका साउथ कोरिया हो गया। सो बेसिकली कॉम्पिटेटिव मार्केट में एंड इन एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट फाइनेंसिंग जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इनको कुछ सेटबैक्स मिल रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है गवर्नमेंट ने कहा है कि ठीक है चलो अभी हम आपको कैपिटल सपोर्ट देंगे, कैपिटल गेयर अप देंगे, सो दैट वी कैन मेक आर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको हम बूस्ट कर सके, ग्लोबली कॉम्पिटेटिव बना सके। क्या ये पहली बार है, देखिए बिल्कुल नहीं, पहले भी इससे पहले अटेम्प्ट हो चुका था, बट देन कुछ रीजंस की वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हुए। दो अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुके थे टू एस्टेब्लिश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, बट कोई फ्रूटफुल रिजल्ट हमको मिला नहीं है। बेसिकली लास्ट ईयर क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने कुछ कंपनीज को इनवाइट किए थे लेकिन फॉर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, लेकिन वो आए नहीं, एक भी बिड नहीं मिला यहाँ पे। 2017 में कुछ वेबर्स भी डिक्लेयर किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कस्टम्स ड्यूटी पे, कहा कि फॉरेन जो कंपनीज है आप आइए, आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है आप प्लांट कीजिए, बट देन वहाँ पर भी कोई खास हमें सपोर्ट नहीं मिला 2017 में। ऑफकोर्स फेवरेट डेस्टिनेशन जो था वो इंडिया से बाहर ही था, आपको पता है मैं कहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो कुछ सिग्निफिकेंट सपोर्ट इंडिया को मिला नहीं था फ्रॉम फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनसे भी। ना अभी क्या करना है गवर्नमेंट को, देखिए द प्रोग्राम विल गिव एन इम्पिटस ऑफ कोर्स बाय कैपिटल सपोर्ट एंड टेक्नोलॉजिकल कोलाबोरेशन विद फॉरेन यूनिट्स। गवर्नमेंट जो है इट इज लाइंड अप इंसेंटिव सपोर्ट फॉर कंपनीज एंगेज्ड इन सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्प्ले फैब्स एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स एटसेट्रा। बेसिकली यहाँ पे पैकेज दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा, कैपिटल सपोर्ट दिया जाएगा, एंड इसी के चलते एक्सपेक्टेड है कि जो कैपिटल सपोर्ट एंड टेक्नोलॉजिकल कोलाबोरेशन से जो हमारा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है इसको बूस्ट मिलेगा, एंड अप टू 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट का फिस्कल सपोर्ट भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करने के बारे में सोच रहे हैं। तो रीज़न क्या है, अभी पहले भी गवर्नमेंट ने ट्राई किया हुआ था, कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिला नहीं, अभी अगेन कैपिटल गियर अप हो रहा है, इंसेंटिव्स दिया जा रहा है, फिजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। तो रीज़न बहुत ही सिंपल है, देखिए जो वर्ल्ड एरिना है यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंजेस आया है कोविड के वजह से, एंड एक और जो करंट सिचुएशन है एंटी चाइना एक सेंटिमेंट चल रहा है। सो इसके चलते इंडिया जो है कैन बैंक ऑन दीज ऑनगोइंग ग्लोबल इशूज
एंड यू नो ऑफ कोर्स आपको पता है कई सारे कंपनियां जो है वो चाइना से विड्रॉ कर रहे हैं, सो उनको एक प्रॉपर हब प्रोवाइड किया जाएगा इंडिया में, सो दैट इंडिया जो है वो लीडिंग रोल ले सके, पर्टिकुलरली इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। करेंटली अगर बात करें तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो इंडिया में ट्रिमेंडसली ग्रो शो कर रहा है, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ डिमांड, सो डिमांड जो है ये काफी ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। एक्सपेक्टेड है कि 23-24 तक $400 बिलियन का डिमांड जो है वो मार्केट में राइज होगा। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है करेंटली जो है हम लोग मोस्टली असेंबली यूनिट्स में ही फोकस करते हैं, हम लोग क्या करते हैं बाहर से जो चिप्स है उनको लाते हैं मंगवाते हैं एंड यहाँ पर इंडिया में हम असेंबल करते हैं, हम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। एंड इससे देखिए क्या प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए इकोनॉमिक सर्वे जो है ये भी कहता है कि जो इंडिया है ये दुनिया भर का जो असेंबली है, असेंबली का एक हब हो सकता है, दुनिया भर से हम लोग ला सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे भी इसको हाईलाइट किया गया था, इससे इंडिया को इकोनॉमिक बूस्ट भी मिलेगा। एक थियरी एक कंसेप्ट है जो कि इकोनॉमिस्ट एल्बर्ट ओ हर्शमैन ने दिया था इन हिज थियरी पेपर अनबैलेंस्ड ग्रोथ। इन्होंने क्या कहा है कि जो असेंबली यूनिट्स है अगर हम इन पे फोकस करें तो हम एक असेंबली हब बन सकते हैं। एंड ये एक स्ट्रेटेजी है जिसके जरिए चाइना एक आज की तारीख में इकोनॉमिक सुपर पावर बन पाया। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फाइनल असेंबली यूनिट्स, ऑफकोर्स आपको पता है, लोकेटेड इन इंडिया, फोकसिंग ऑन देम वुड हेल्प डेवलप डीप बैकवर्ड लिंकेजेस दस इंड्यूसिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। इकोनॉमिक सर्वे में क्या कहा गया है, और इट ऑल्सो प्रमोट्स द आइडिया एंड सजेस्टेड असेंबली इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इंडिया में जो है दुनिया भर से मैन्युफैक्चर जो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स है इनको लाके असेंबल किया जा सकता है, स्पेशली नेटवर्क प्रोडक्ट इन अ बिड टू क्रिएट 4 करोड़ वेल पेड जॉब्स बाई 2025 एंड 8 करोड़ जॉब्स बाई 2030। दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट हेल्प चाइना बिकम इकोनॉमिक सुपर पावर इट इज टूडे। सो बेसिकली हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि ये एक अच्छा तरीका है असेंबली यूनिट्स को बढ़ावा देने का। बट देन अभी हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में क्यों सोच रहे हैं, तो देखिए असेंबली यूनिट्स में आपको फॉरेन कंट्रीज के तरफ देखना होता है, आपको फॉरेन चिप्स एंड फॉरेन जो सेमीकंडक्टर यूनिट्स इन पे रिलाई करना होता है। एंड इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए एडिक्वेट सप्लाई नहीं हो सकता, आपको इम्पोर्ट करना पड़ता है बाहर की कंट्रीज से, आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है बाहर की कंट्रीज से। मोर ओवर साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत ही मेजर इशू रहता है, आपको पता होगा ऐसे कई सारे इंस्टांसेस हैं जहां पर फॉरेन मैन्युफैक्चर्ड जो ऐसे चिप्स होते हैं इनसे जो सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी है, ये कई बार जोपरडाइज हो सकते हैं, हो जाते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस हमारा रहा है। तो इसी के चलते हम सिर्फ और सिर्फ बाहर के जो मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स है, चिप्स है, इन पे हम लोग डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। करंट चैलेंज क्या है, इंडिया में जो है ये प्रोडक्शन यूनिट्स है नहीं, एब्सेंस ऑफ फाउंड्रीज। बेसिकली रीजन क्या है, इन एब्सेंस ऑफ फाउंड्रीज, देखिए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट वेयर माइक्रोचिप्स आर प्रोड्यूस्ड, फाउंड्रीज का मीनिंग, इंडिया हैज टू रिलाई ऑन फॉरेन जो कंडक्टर प्रोड्यूसर्स है। देयर आर अबाउट 170 कॉमर्शियल फाउंड्रीज ग्लोबली, बट इंडिया में इनमें से एक भी नहीं है। चिप मैन्युफैक्चरर्स लाइक इंटेल, TSMC जो है, या सैमसंग कह लीजिए, ये कुछ इंडिया में ये कहते हैं कि साइटिंग अनसर्टेन डोमेस्टिक डिमांड एंड पुअर कॉस्ट एफिशिएंसीज, इंडिया में ये सारे हार्डल्स है जिसके चलते इंडिया में ये अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिठाना नहीं चाहते हैं। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, देखिए एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए मैसिव, लगभग $2 बिलियन का, मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ कैपिटल डेप्रिसिएशन, आप इनको यूज़ कर रहे हो तो कैपिटल डेप्रिसिएशन होगा, तो उसको मेंटेन करने में हाई कॉस्ट चाहिए। इनएबिलिटी टू कम्पीट विथ जो टेक्नोलॉजिकल जायंट्स है, तो डोमेस्टिक जो प्लेयर्स है ये इन्वेस्ट करना नहीं चाहते क्योंकि इनको पता है, इनको लगता है कि हम तो जो टेक्नोलॉजी जायंट्स है जैसे IBM वगैरह हो गया, इनके साथ हम लोग कम्पीट नहीं कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ R&D। देन हमारा इसके चलते देखिए एक प्रॉब्लम ये भी है, रिसेंटली एक कंसेप्ट काफ़ी सरफेस हुआ है कि जो बड़े बड़े कंपनीज है वो इंडिया से जो जो भी स्टूडेंट्स है या जो भी ऑन्टरप्रनोर्स है इनको बेसिकली लेके जाते हैं, एंड ब्रेन ड्रेन का एक कंसेप्ट सामने आया है, बड़े बड़े कंपनीज के जो CEO वगैरह या MD जो है ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। सो यहाँ पे एक रीज़न ये भी है, देखिए
मेनी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ऑल्सो साइट लेक ऑफ फाउंड्री एज कंट्रीब्यूटिंग टू लो R&D इन दिस सेक्टर इन इंडिया विच रिजल्ट्स इन पुअर टैलेंट रिटेंशन एंड इवेंचुअली ब्रेन ड्रेन। मतलब आपको लोकली इंडिया में, अगर सपोज मान लीजिए आप एक ऐसे एक यू नो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो एंड आपको इंडिया में प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं मिला है क्योंकि R&D नहीं है एंड जो ऐसे ऐसा कोई यूनिट नहीं है जहाँ पे आपको एक यू नो सिग्निफिकेंट जॉब मिल सके अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी कैपेबिलिटी, तो आप क्या करोगे? आपने डिसाइड किया कि आप फॉरेन कंट्री में जाके, फॉरेन किसी कंपनी में जाके अपना जो टैलेंट है उसको यूटिलाइज करोगे। सो यहाँ से आ जाता है ब्रेन ड्रेन एंड पुअर टैलेंट रिटेंशन। सो ये एक इशू है ऑफ यू नो एब्सेंस ऑफ जो फाउंड्रीज है, जो यू नो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया में जो है। देखिए इसरो और DRDO वैसे तो ये प्रोड्यूस करते हैं बट इनका जो है मोस्टली स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। गवर्नमेंट के करंट कुछ स्कीम्स है रिगार्डिंग दीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हो गया या स्पेक स्कीम, आपने सुना होगा इसके बारे में, या मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। सो इन स्कीम्स के चलते गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है एंड नाउ रिसेंटली ये 76,000 करोड़ का एक और यू नो हम कह सकते हैं कि एक और पुश है टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर। वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। प्रॉफिटियरिंग फ्रॉम एंटी चाइना सेंटिमेंट ऑलरेडी मैंने बताया है। प्रोवाइड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर दी फॉरेन कंपनीज, जो भी कंप्लेंट्स होते हैं फॉरेन कंपनीज की डोमेस्टिक डिमांड नहीं है, अनसर्टेन है, तो इनको यू नो एड्रेस करना पड़ेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमें इंप्रूवमेंट लाने पड़ेंगे। सेफगार्डिंग द एंड प्रमोटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जैसे कि डोमेस्टिक कंपनीज के यू नो जो फीडबैक है कि हम टेक जायंट के साथ कंपीट नहीं कर पाते, तो उनके जो कंसर्न है उनको भी एड्रेस किया जाए थ्रू टेक्नोलॉजिकल एंड कैपिटल सपोर्ट। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ दैट न्यूज। नाउ नेक्स्ट, अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़, आपने इसके बारे में ऑलरेडी सुना होगा कि जो कैबिनेट है इन्होंने यू नो दे आर पुशिंग फॉर इंक्रीजिंग द मैरिज एज फॉर वेमेन टू 21 ईयर्स। आप देख सकते हो कैबिनेट क्लियर्स पुश टू रेज मैरिज एज ऑफ वेमेन फ्रॉम 18 to 21 ईयर्स। बेसिकली क्या है, स्पेशल मैरिज एक्ट जो है एंड जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, इन दोनों एक्ट को एमेंड किया जाएगा एंड एमेंड करके जो करंट एज है फॉर द मैरिज ऑफ वेमेन 18 ईयर्स, उसको बढ़ा के 21 ईयर्स किया जाएगा। इज इट समथिंग न्यू? डेफिनेटली इट इज नॉट न्यू। इंडिपेंडेंस डे एड्रेस में 2020 में PM मोदी ने इसके बारे में बताया था कि जो मैरिज एज है उसको 21 ईयर्स करना चाहिए। एंड जो डिसीजन है ये बेसिकली एक कमिटी बिठाया गया था नीति आयोग द्वारा, एक टास्क फोर्स बनाया गया था अंडर जया जेटली जी, एंड इन्होंने रेकमेंड किया था कि जो मैरिज एज है इसको बढ़ा सकते हैं। सो आपको ये कमिटी का नाम याद रखना है क्योंकि अक्सर एग्जाम में आपको पूछते हैं कि ये जो कमिटी है कौन हेड कर रहे थे। एंड बेसिकली एक जो कमिटी है इसका थीम क्या था, मैटर्स पर्टेनिंग टू एज ऑफ मदरहुड, इम्परेटिव ऑफ लोअरिंग MMR, मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट, इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल लेवल एंड रिलेटेड इशूज। सो क्या कह रहे हैं कि जो मदरहुड, जो प्रेगनेंसी का एज है उसको बढ़ाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिड्यूस द मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट एंड इंक्रीज और इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल लेवल। सो जो ये इशू जो ये कमिटी का रिपोर्ट है, बेसिकली इन्होंने कहा कि हमने अलग अलग 16 यूनिवर्सिटीज से फीडबैक लिए, 15 NGOs से बात किया, जो यंग एंड एडल्ट इंडिविजुअल्स है अक्रॉस डिफरेंट रिलीजियन, रूरल एंड अर्बन एरियाज में हमने सबसे कंसल्ट किया, सबसे फीडबैक लिए। फिर उनका भी यही मानना है कि जो मैरिज एज है उसको बढ़ाना चाहिए एंड उसी के चलते इन्होंने ये रेकमेंड भी किया है बेस्ड ऑन देयर फीडबैक्स एंड देयर फाइंडिंग्स। कमिटी ने यह भी कहा है कैटेगोरिकली कि जो हमारा आइडिया है मैरिज एज को बढ़ाने का, इसका आइडिया पर्टिकुलरली MMR को रिड्यूस करना है, न्यूट्रिशनल लेवल को बढ़ाना है। हम कहीं पे भी ये नहीं कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हम ये स्टेप ले रहे हैं। तो कैटेगोरिकली ये मेंशन किया गया कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल का कोई मेजर नहीं है, कोई हमारा बेसिक जो आइडिया है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ वी वॉन्ट टू कंट्रोल पॉपुलेशन, क्योंकि जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 जो एडिशन है यहाँ पे ऑलरेडी देखा गया है कि देयर इज अ डिक्लाइन ट्रेंड ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट। सो पॉपुलेशन ग्रोथ जो ये काफी हद तक हमारे कंट्रोल में है। करंट सिनेरियो क्या है, देखिए
करेंट सिनेरियो ये है कि जो दो एक्ट है जो मैरिज को, जो एज को रेगुलेट करते हैं, सेक्शन 5 क्लॉज 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेट्स 18 ईयर्स एज द मिनिमम एज फॉर द ब्राइड एंड 21 ईयर्स फॉर द ग्रूम। सो आपको याद रखना है हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर में करंट जो अरेंजमेंट ये चल रहे हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 एंड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006 ऑल्सो प्रेस्क्राइब्स द सेम एज लिमिट फॉर यू नो वेमेन एंड मैन रेस्पेक्टिवली। सो दीज आर द एक्ट्स जो मैरिज को रेगुलेट करते हैं, आपको इनका नाम पता होना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट आया था एंड रिसेंट पास्ट में, एंड इन्होंने कहा कि 35% ऑफ जो फीमेल है इन इंडिया आर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 21 ईयर्स एज, मतलब 18 से 21 ईयर्स, इन सम केसेस इवन बिलो दैट। सो करीब 35% ऐसे केसेस है। वेस्ट बंगाल में जो सिचुएशन है देखिए, द मीन मैरिज एज जो है ये 20.9 ईयर्स, मतलब लेस देन अगेन 21 ईयर है, एंड ऑलमोस्ट 47% ऑफ फीमेल गेट्स मैरिड बिफोर द एज ऑफ 21 ईयर, इवन वर्स देन बिहार एंड राजस्थान। सो ये कुछ फाइंडिंग्स है देखिए। कंसिडरिंग द डेटा ऑन मैटरनल डेथ, द मैक्सिमम प्रपोर्शन ऑफ मैटरनल डेथ ऑकर्स एट लो एज ब्रैकेट, जो लोअर एज में प्रेगनेंसी के केसेस आते हैं उन्हीं केसेस में ज़्यादातर एमएमआर देखा जाता है। सो इन सबको डेटा को मद्देनजर रखते हुए मैरिज एज को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। नाउ आपको इसका आर्ग्यूमेंट क्या है एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या, मतलब प्रोज क्या है एंड कॉन्स क्या है इस स्टेप का, ये आपको एक थोड़ा सा रफ आइडिया होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, देखिए बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मिलेगा अगर मैरिज एज बढ़ा दिया जाए तो, पर्सनल डेवलपमेंट होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफकोर्स कम एज में शादी होने से रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड मेंटल साइकोलॉजिकल हेल्थ में कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, मैटरनल हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, जो फीमेल है इनको ज़्यादा यू नो मौका मिलेगा अगर मैरिज एज बढ़ाया जाए तो, ये प्रोडक्टिव काम में अपना हाथ बटाए। एलिमिनेटिंग जेंडर गैप इन अर्ली मैरिज, सो ये सारे यू नो जो आर्ग्यूमेंट्स है फेवर में जाते हैं एंड दीज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सो आई डोंट थिंक इनमें कोई एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए होगा। नाउ ये सारे हो जाते हैं फॉर दी यू नो जो भी एक्ट है, जो 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 प्रपोजल है उसके फॉर्म में जाते हैं। काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है, कॉन्स क्या है, देखिए इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन एज अर्ली मैरिज इज मोर ऑफ अ सोशियो इकोनॉमिक इशू। आपको पता होगा जो ऑलरेडी हमारे पास 18 ईयर्स का लिमिटेशन है, यू नो एक एक बेंच मार्क है, लेकिन फिर भी इससे कम एज में शादी होते हैं, ऐसे केसेस आते हैं चाइल्ड मैरिज के, ये प्रैक्टिकल है। सो बेसिकली ऑल दो करेंटली वी हैव अ लॉ जो एक लिमिटेड एक एक बेंच मार्क एज को प्रेस्क्राइब करते हैं, फिर भी शादियाँ हो रहे हैं एंड मोस्टली बिकॉज दीज आर सोशियो इकोनॉमिक इशूज, कुछ सोशल फैब्रिक हमारे ऐसे बने हुए हैं एंड कुछ इकोनॉमिक इश्यूज साइट किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, सो इनके चलते ही जो अर्ली मैरिज है ये प्रॉब्लम अराइज होते हैं। सेक्सुअल ऑटोनॉमी ऑफ वेमेन, देखिए प्री मैरिटल सेक्सुअल रिलेशनशिप करंट ट्रेंड में आप देखिए तो लिव इन रिलेशनशिप वगैरह जो होते हैं या प्री मैरिटल जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है, कहा जाता है कि ये फीमेल जो उनका अपने बॉडी के ऊपर अधिकार है, सेक्सुअल ऑटोनॉमी ऑफ वेमेन। तो आप क्योंकि यहाँ पे इंडिया में पर्टिकुलरली जो है प्री मैरिटल सेक्सुअल अफेयर जो है वो यू नो एक स्टिग्मा एक एक टैबू माना जाता है, तो यहाँ पे अगर मैरिज एज आप बढ़ाएंगे तो इससे ये प्रॉब्लम हो सकता है, जो सेक्सुअल ऑटोनॉमी है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। यहाँ पर एक और बात कहा गया है, सिग्निफिकेंट यू नो डिकेडल इंप्रूवमेंट इन एज ऑफ मैरिज, देखा गया है कि करंटली जो है मैरिज एज जो है वो प्रीवियस कंपेयर टू यू नो 1990 से अगर हम बात करें तो जो एज है मैरिज एज है ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है, काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। मतलब क्या है कि पहले कम एज में हुआ करते थे, अभी जो मैरिज एज है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। सेफेस्ट एज फॉर प्रेगनेंसी, ये देखा गया है कि जो 20 to 24 ईयर्स ऑफ एज है इस दौरान अगर प्रेगनेंसी होता है तो जो मॉर्टेलिटी रेट है वो कम देखा गया है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डेटा सजेस्ट करते हैं। मिसयूज ऑफ लीगल प्रोविजंस अगेंस्ट बॉय बाय द पेरेंट ऑफ इलोपिंग गर्ल, अब मान लीजिए कोई गर्ल है जो घर से अगर भाग जाते हैं किसी लड़के के साथ एंड उनका एज अगर 21 ईयर नहीं होता है, 18 ईयर्स प्लस होते हैं, तो जो पेरेंट है ये लीगल प्रोविजंस का यूज कर सकते हैं यू नो टू डेटर दैट बॉय, जो भी लड़का है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। सो इट मे गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ नॉट इंटरेस्ट एग्जैक्टली इंटरेस्ट कहना सही नहीं होगा, इसका मिसयूज हो सकता है। सो दीज आर द इशूज। मैं चाहूँगा कमेंट सेक्शन में आप बताएं आपको क्या लगता है, आपका फीडबैक क्या है,
क्या मैरिज एज जो है वो 21 ईयर एंड उससे ज़्यादा होना चाहिए वेमेन के लिए, या फिर 18 ईयर्स का जो करंट सिचुएशन है, जो करंट फैब्रिक है वो सही है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पर, कैबिनेट नोट्स टू इंडिया पोलैंड म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। इंडिया एंड पोलैंड के बीच में एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस है। आप अगर पीएम इंडिया का जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पे अगर आप जाते हो तो आपको ये मिल जाएगा। न्यूज़ है, एक्सप्लिसिटली दिया हुआ है, कैबिनेट अप्रूव्स ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पोलैंड कंसर्निंग म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स। इसका बेनिफिट क्या होगा, देखिए दोनों कंट्री म्यूचुअली लीगल असिस्टेंस के बारे में बात करें, एक ट्रीटी भी साइन कर रहे हैं। बेनिफिट क्या होगा, द ट्रीटी एम्स टू एनहांस इफेक्टिवनेस ऑफ बोथ द कंट्रीज इन इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ क्राइम थ्रू कॉपरेशन एंड म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स। बेसिकली जो भी ट्रांसबाउंड्री जो क्राइम होते हैं उन मैटर्स में लीगल असिस्टेंस एंड कॉपरेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। इससे क्या होगा, देखिए डेफिनेट सी बात है, जो भी टेररिस्ट आउटफिट है, मान लीजिए कोई इंडिया से ऑपरेट करके पोलैंड में जाता है एंड वहां पे जाके वो छिप जाता है, तो इंडिया जो है वो पोलैंड अथॉरिटी के साथ कॉपरेशन में उन टेरर आउटफिट को पकड़ सकते हैं, उनको जो है ट्रेस कर सकते हैं। सो बेसिकली क्या होगा, इट विल इंक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ इंडिया इन ट्रैकिंग इन टैकलिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग पोलैंड, पोलैंड में पोलैंड के साथ कॉपरेट करके हम इन टेरर आउटफिट्स को पकड़ सकते हैं। सो एक काफ़ी सिंपल सा प्रोविजन है, काफ़ी सिंपल सा ट्रीटी है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया एंड पोलैंड का जो रिलेशन है, पोलैंड कहाँ पे मौजूद है आपको यहाँ पे मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। सो दिस इज योर इंडिया एंड यहाँ पे आप अगर जाते हो सो यूरोपियन पार्ट में आपको मिल जाएगा पोलैंड। दिस इज बाल्टिक सी एंड जो ये पोलैंड है ईस्टर्न यूरोप में आ गया है आपका जो सॉरी वेस्टर्न यूरोप में आ गया है जो पार्ट है, नॉट एग्जैक्टली वेस्टर्न, सेंट्रल यूरोप के पार्ट में माना जाता है, जर्मनी के साथ यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहा है। इस तरफ आपको मिल जाएगा बेलारूस एंड यूक्रेन जैसे कंट्रीज। सो ये हो जाता है पोलैंड का लोकेशन। इंडियन पोलैंड रिलेशन क्या है, देखिए पोलैंड हैज इन्वाइटेड, अब रिसेंट पास्ट में पोलैंड ने प्राइम मिनिस्टर जी को, हमारा मोदी जी को इन्वाइट भी किया था, जब मोदी जी एक यूरोपियन यूनियन इंडिया समिट में थे मई 2021 में, रिसेंट बात है। एंड इंडिया वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड एज स्पेशल इन्वाइटी इन G7 ग्रुपिंग उस दौरान जून में, तो उस वक्त पोलैंड ने इंडिया को इन्वाइट किया था, जो पोलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, इन्होंने इंडिया को इन्वाइट भी किया था। ड्यूरिंग COVID-19 पैंडेमिक एक ट्रैवल बबल के बारे में बात चल रहा था पोलैंड के साथ, मतलब जो सिटीजन्स है वो आपस में दो कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं अंडर अ ट्रैवल बबल। आपने ये वर्ड सुना होगा, जो सोशल बबल हो गया है, ट्रैवल बबल हो गया है, इनके बारे में आपने सुना होगा ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक पीरियड। इंडियन पोलैंड का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है ये आपका 94 में एस्टेब्लिश होता है, 1954 में एस्टेब्लिश होता है एंड 57 में पहला एम्बेसी बनता है वॉर्सो जो कैपिटल है पोलैंड का। यहाँ पर इनका म्यूचुअल जो आइडियोलॉजिकल थिंकिंग है दोनों सेम शेयर करते हैं, बोथ ऑफ दिस कंट्री दे गो फॉर एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट, एंटी इंपीरियलिज्म एंड दे बिलीव इन फ्री इंटरनेशनल जो फ्रीडम है, पीस है, हारमनी है, इनमें बिलीव करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक और सवाल पूछूंगा, जो इबेरिया पेनिनसुला है ये बेसिकली कौन से कंट्री है जो इबेरिया पेनिनसुला के पार्ट में माना जाता है। ऑप्शंस आपके यहाँ पर है, मैं चाहूँगा आप नीचे इसका आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। ट्रेड एंड इकोनॉमी के बारे में अगर बात करें तो पोलैंड जो इट इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन सेंट्रल यूरोपियन रीजन। सो ट्रेडिंग के मामले में बात करें, इंडिया एंड पोलैंड काफ़ी सिग्निफिकेंट ट्रेड रिलेशन शेयर करते हैं। इनफैक्ट जो पोलैंड है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है व्हेन इट कम्स टू सेंट्रल यूरोपियन रीजन। 2019 में जो आपस में बायलैटरल ट्रेड था वो करीब $2.36 बिलियन का था। अप्रैल 2000 से मार्च 2019 तक इंडिया ने करीब 672 मिलियन का FDI पोलैंड से इंडिया में आता है। सो काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ FDI भी है, करीब करीब 7 times मोर जो कि 90s में हुआ करता था उसके कंपैरिजन में। पोलैंड पोजेस वर्ल्ड क्लास फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज, जबकि इंडिया जो है इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेनी फ्रूट्स, डेयरी एंड एग्रो प्रोडक्ट्स। सो एग्रो प्रोडक्ट्स में भी कॉपरेशन के पॉसिबिलिटीज बनते हैं, सिंस जो इंडिया है इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन केस ऑफ सम फ्रूट्स एंड डेयरी एंड एग्रो प्रोडक्ट्स, वेयर एज पोलैंड के पास सफिशियंट टेक्नोलॉजी या प्रिजर्वेशन स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग का।
एग्रीकल्चर के मामले में एक एमओयू भी साइन हुआ था दोनों कंट्री के बीच में 2017 में फॉर कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चरल यूनिट्स। पोलैंड पोजेस रेप्यूटेड क्लीन कोल टेक्नोलॉजी एंड पोलिश पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैव प्लेड अ सब्सटेंशियल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग एंड पावर सेक्टर इन इंडिया। सो ऑब्वियसली क्लीन कोल टेक्नोलॉजी आपको पता है, अभी ये अनकन्वेंशनल एनर्जी जो भी जनरेट करने के बारे में हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली टू डील विथ क्लाइमेट चेंज, यहाँ पर भी एक सिग्निफिकेंट कोऑपरेशन हमारा बन सकता है। 2019 में एक यू नो बायलैटरल हमने एमओयू भी साइन किया था फॉर कोऑपरेशन इन कोल एंड माइनिंग सेक्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट कल्चरल टाइज है हमारा पोलैंड के साथ एंड इंडियन डायस्पोरा ऑफ कोर्स पोलैंड में मौजूद है। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं काफ़ी एक हेल्दी फ्रेंडली एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप हम शेयर करते हैं। इकोनॉमिक मैटर में कई सारे प्रॉस्पेक्ट्स हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़। दिस इज इंस्पिरेशन IAS। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जुड़े रहिए इंस्पिरेशन IAS के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।